हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास इलेवेंथ के आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास टेंथ के बाद क्लास इलेवेंथ में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कितने इसमें मेन सब्जेक्ट होते हैं, कितने इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना चाहिए आर्ट स्ट्रीम में कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आर्ट स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्लास इलेवेंथ के आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आप क्लास टेंथ के बाद क्लास इलेवेंथ में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और सिर्फ 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके जो 4 सब्जेक्ट होंगे वह मेन सब्जेक्ट होंगे और एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। जी हाँ दोस्तों, एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा और 4 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेन सब्जेक्ट कितने होते हैं आर्ट स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, मेन सब्जेक्ट की बात करें तो मेन सब्जेक्ट में देखिए, आपका हिंदी होता है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है और उसके बाद होम साइंस है आपका, सोशियोलॉजी है। तो यह सब सब्जेक्ट जो है वह आपके मेन सब्जेक्ट में है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, डांस है, म्यूज़िक है, योगा है, ड्राइंग है और फिजिकल एजुकेशन है। तो फ्रेंड्स, यह सब जो है वह आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है और जो यह आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। इसमें से आप मेन सब्जेक्ट में से हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिस्ट्री ले लीजिए, उसके बाद आप होम साइंस ले लीजिए और इधर से आप अपने हिसाब से कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डांस, म्यूजिक, योगा, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं वह काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आर्ट स्ट्रीम से भी पढ़ने वाले काफ़ी तेज तेज स्टूडेंट होते हैं। अभी जो है कि 1-2 साल पहले आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट ने ही CBSE बोर्ड से सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं वह कमज़ोर ही हों। आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपको इसमें से अच्छा लगे आप इसमें से चूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें सभी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने सब्जेक्ट हमने यह गिनाए आर्ट स्ट्रीम के, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर यह सभी उपलब्ध नहीं होते हैं। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर जो है कि टीचरों की कमी होती है, जिसकी वजह से वह कम जो है कि सब्जेक्ट को रखते हैं आर्ट स्ट्रीम में। तो वहाँ पर जो है कि आपको 4 से 5 सब्जेक्ट मिल जाता है या 6 सब्जेक्ट मिल जाता है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट मिलते हैं, जो कि आपको कंपलसरी होता है, उसको लेना ही पड़ता है क्योंकि उस स्कूल में टीचर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पता कर लीजिएगा कि उस कॉलेज पर आर्ट स्ट्रीम से पढ़ने के लिए कितने सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल में कितने सब्जेक्ट हैं, मेन में कितने सब्जेक्ट हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि उस कॉलेज से आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला है तो आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, आप किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप एडमिशन कराइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लास इलेवेंथ के आर्ट स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने होते हैं, मेन सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो।
वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।